सूर्य वंश के अंतर्गत नवम स्कंद में विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। मैं मात्र संक्षिप्त में झलक दे रहा हूं। राजा इंद्र वहां की कथा सुनाई, तत्पश्चात खटवांग महाराज की कथा। सूर्य वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था खटवांग, परम पराक्रमी राजा थे और बड़े बड़े देवता भी असुरों के साथ जब युद्ध करना होता था राजा खटवांग को अपनी मदद के लिए बुलाते थे। एक बार राजा खटवांग देवलोक में गए, इंद्र के साथ रहकर असुरों के सामने युद्ध किया, असुरों को हरा दिए। इंद्र प्रसन्न हुए और खटवांग राजा को कहा, महाराज हम आपसे प्रसन्न हैं, जो चाहिए वो मांग लो। खटवांग राजा ने कहा, मुक्ति दे सकते हो, वैकुंठ दे सकते हो? इंद्र ने कहा, हम वो नहीं दे सकते, और कुछ चाहिए तो मांगो, यहां से ऊपर का नहीं नीचे का कुछ मांगो, ऊपर का तो हमारे पास भी नहीं है। खटवांग राजा ने कहा, तो हे देवराज इंद्र तुम इतना बता सकते हो, तुम इतना बता सकते हो मुझे, मेरा जीवन कितना है, मुझे कितनी देर तक जीना है? इंद्र ने कहा, हाँ ये बता सकता हूं। इंद्र ने देखा ध्यान करके, इंद्र को पसीना छूट गया। बोले, क्या हुआ इंद्र? बोले, महाराज आपके जीवन में मात्र दो घड़ी बची है। इंद्र तुम मुझे एक घड़ी में पृथ्वी लोक पर भेज सकते हो? बोले, हाँ। बोले, भेजो जल्दी। खटवांग महाराज एक घड़ी में इस पृथ्वी लोक हरिद्वार में गंगा के तट पर आए और अपने जीवन की अंतिम एक घड़ी में भगवान विष्णु का स्मरण किए और अपने देह को त्याग दिए, भगवान विष्णु के पार्षद आए और उसे वैकुंठ में लेकर चले गए। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को प्रथम बार मिले तब सुखदेव गोस्वामी ने यह कथा सुनाई, परीक्षित खटवांग महाराज ने मात्र दो घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, परीक्षित तुम्हारे पास तो सात दिन है। जिस भगवान को दो घड़ी में प्राप्त किया जा सकता है उनके सामने तुम्हारे पास सात दिन है। परीक्षित चिंता मत करो, मैं कथा सुनाऊंगा, तुम अपना मन कथा में लगाओ। तो इस प्रकार से सोम सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र और कुछ ऐसे राजा जो सोम वंश में हुए जैसे कि पुरुर्वा। महाराज पुरुर्वा की बहुत सुंदर कथा आती है भागवत के नवम स्कंद में भी और भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं। महाराज पुरुर्वा का विवाह उर्वशी के साथ हुआ, उर्वशी में मोहित हो गए। उर्वशी ने दो शर्त रखी थी कि मैं शुद्ध देसी घी वाला ही भोजन खाऊंगी और दूसरा वो स्वर्ग से दो भेड़ के बकरे को लेकर आई थी। बोले, इस भेड़ के बच्चे को लेकर आई थी, बकरे के बच्चे। बोले, इस दोनों बच्चे का तुमको ध्यान रखना है, यदि ये दोनों खो गए, दो में से एक भी खो गया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो एक दिन वास्तव में मित्रा और वरुण ने मिलकर उस दोनों बच्चे को चुरा लिया और उर्वशी महाराज पुरुर्वा को छोड़कर। महाराज पुरुर्वा विलाप करते करते सतयुग बीत गया, त्रेतायुग आ गया, युग बदल गया, लेकिन इसकी आसक्ति नहीं गई। यज्ञ किया, यज्ञ करके महाराज पुरुर्वा स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाकर उर्वशी के साथ भोग भोगे, लेकिन भगवान की कृपा इस सोम वंश के राजा पुरुर्वा के ऊपर हुई, वैराग्य हो गया। और जैसे ही वैराग्य हुआ महाराज पुरुर्वा इस पृथ्वी पर आए और आकर एक गाना गाया, एक गीत गाया, गीत सुनने जैसा है, उस गीत पर एक पूरी भागवत सप्ताह हो सकती है, अद्भुत गीत। ये गीत कोई साधारण आदमी का नहीं, ये गीत उस राजा का है जो राजा पूरी दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट था, जिसके पास कोई धन की कमी नहीं, भोग की कमी नहीं है। और उस राजा को जब वैराग्य हुआ तब उसने एक गीत गाया, वह गीत भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया, ऐल गीत, अद्भुत वैराग्य युक्त। उस गीत का एक दो पद मैं आपको बता दूं, वह गीत प्रारंभ ही होता है अफसोस करते हुए, ओ हो, ये मैंने मेरे जीवन में क्या कर दिया, मैं एक स्त्री में आसक्त हो गया,
और उस स्त्री की आसक्ति में इतना फंसा रहा कि यह सूर्य कैसे मेरे जीवन के काल को काटता गया, मुझे कोई ज्ञान न रहा। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात जाते गए, लेकिन मेरी आसक्ति कम नहीं हुई। किम विद्या किम तपसा किम दानेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मोनेन स्त्री भी हृतम। अरे संसार में कोई व्यक्ति कितनी भी तपस्या करे, वह तपस्या क्या काम की जब उनका मन कोई स्त्री हर कर चली जाए। किम विद्या उस विद्वान की विद्या क्या काम की जिसका मन एक स्त्री चुरा लेती है। किम त्यागेन श्रुतेन वा वह वेद शास्त्र का ज्ञान क्या काम का जिसका मन किसी स्त्री में आसक्त हो जाए। अरे मैं उर्वशी नाम की एक स्त्री में आसक्त हो गया और मैंने मेरा तेज खो दिया। जब कोई आदमी किसी स्त्री में आसक्त होता है तो अपना तेज खो देता है। एक दिन मेरे एक आदेश पर एक से एक राजा महाराजा मेरे तख्त चुनते थे, मेरे चरणों में गिरते थे, लेकिन आज मेरा कोई प्रभाव नहीं रहा, मैं उस स्त्री में आसक्त हो गया था। कोई प्रभाव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, आज मेरे हाथ में मैं देख रहा हूं तो कुछ नहीं बचा। और वास्तव में इसमें उस स्त्री का क्या दोष, महाराज पुरुर्वा उर्वशी को दोष नहीं दे रहे, ये दोष स्त्री का नहीं, ये दोष मेरा है। मैं ही पागल हो चुका था, मेरी बुद्धि ही मारी गई थी कि मैं उस जड़ देह में, जिस देह में कफ पित्त वायु मल मूत्र मांस मज्जा हड्डी बाल के अलावा कुछ नहीं है, और ये मेरी पत्नी मेरा मेरा करता गया, लेकिन वास्तव में इस संसार में कौन किसका है। बहुत सुंदर महाराज पुरुर्वा का ये गीत हम कभी आपको सुनाएंगे, बहुत सुंदर। इस संसार में सब लोग मेरा 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 करते हैं, लेकिन आखिर ये आदमी है किसका। जन्म होता है तो मां कहती है ये मेरा बच्चा है, ध्यान से सुनिए, मां कहती है मेरा बच्चा है। जिस हॉस्पिटल में जन्म होता है वो हॉस्पिटल वाले कहते हैं ये मेरा मरीज है, बाप कहता है ये मेरा बच्चा है, समाज कहता है ये हमारा बच्चा है, दादा कहता है कि ये मेरा प्रपुत्र है, दादी कहती है मेरा पोता है, बड़ा होता है तो मित्र कहते हैं ये मेरा मित्र है, उससे बड़ा होता है तो टीचर कहती है मेरा स्टूडेंट है, प्रिंसिपल कहता है ये मेरा विद्यार्थी है, सब लोग मेरा मेरा करते हैं। पत्नी कहती, बड़ा विवाह होता है, पत्नी कहती ये मेरा पति है, मेरा पति सिर्फ मेरा है, पत्नी कहती ये मेरा पति है, पुत्र कहते हैं ये मेरा पिता है। दुनिया में सब लोग मेरा मेरा कहते हैं, लेकिन शमशान के लकड़े बोलते हैं आप सब लोग मेरा मेरा कर लो, अंत में तो ये मेरा होने वाला है, है? चिता के लकड़े बोलते हैं ये मेरा है, किसका कौन किसका है? हम सब लोग एक दूसरे में आसक्त होकर बैठे हैं, ये मेरा मेरा मेरा, लेकिन आखिर तो यह देह उस चिता की आग में जलकर भस्म हो जाएगा, कौन किसका। अतः जब इस संसार में कुछ हमारा है ही नहीं तो उसके प्रति आसक्ति क्या, उसके प्रति आसक्ति क्यों रखना। तो इस प्रकार महाराज पुरुर्वा को वैराग्य हुआ और उन्होंने वैराग्य युक्त एक गीत गाया। सोमवंश में ये राजा, सोमवंश में और एक राजा हुए जिसका नाम था नहुष। वित्रासुर के प्रसंग में जब देवराज इंद्र ने वित्रासुर का वध किया और अपने गुरु विश्वरूप के गले को काट दिया तो साक्षात ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे दौड़ी। इंद्र भयभीत हो गए कि ये ब्रह्महत्या मेरे पीछे दौड़ रही, मुझे मार डालेगी। उस समय देवराज इंद्र मान सरोवर में कमल की दंडी में जाकर छिप गए 100 वर्ष तक। 100 वर्ष तक इंद्र स्वर्ग में वापस नहीं आए। तब प्रश्न उठा, स्वर्ग का राज कौन करेगा, ये स्वर्ग का राज्य कौन चलाएगा। तब ब्रह्मा जी ने राजा नहुष की योग्यता को देखकर स्वर्ग का राजा नियुक्त कर दिया।
इसकी भी एक कथा है. अब मैं इन सब की कथा करते चलूंगा तो फिर ये आगे होगा नहीं, लेकिन केवल नाम सुन लीजिए. सूर्यवंश के राजाओं का नाम सुना. सोम वंश में राजा पुरुर्वा हुए, राजा नहुष हुए, और एक राजा हुए जिसका नाम था ययाति. ययाति महाराज हुए, दुष्यंत. अब ऐसे ऐसे चरित्र हैं, मेरा मन रुक नहीं रहा है. इच्छा हो ही जाती है कि मैं बता दूं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, केवल नाम लेकर आगे चलूं. लेकिन ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र हैं और ऐसी प्रेरणादायक प्रसंग है भक्तों. राजा दुष्यंत को ले लीजिए, सोम वंश में जिसका जन्म हुआ. राजा दुष्यंत एक समय की बात, अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए निकले. प्यास लगी थी. महर्षि कण्व ऋषि के आश्रम में पधारे हैं महाराज दुष्यंत. सोचे कि कण्व मुनि यहां पर होगे और मुझे जल पान करूंगा. उस कुटिया में जाकर महाराज दुष्यंत ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए. तब उस कुटिया से एक बहुत सुंदर स्त्री आई और उन्होंने जल पिलाया. महाराज दुष्यंत ने जब जल पिया और उस स्त्री को देखा तो उसका मन उस स्त्री पर आ गया. महाराज ध्यान से सुनिए, महाराज दुष्यंत क्षत्रिय थे और पहले के राजा महाराजा ईमान वाले होते थे भक्तों. उनका मन उनके वश में हुआ करता था. पहले के राजा मात्र प्रजाओं को वश में नहीं रखते थे, सबसे पहले अपने मन को अपने वश में रखते थे. और आज के राजा जब अपने मन को ही वश में नहीं रख सकते हैं तो प्रजा को कैसे वश में रख सकते, कभी नहीं. राजा दुष्यंत का अद्भुत चरित्र है भक्तों. राजा दुष्यंत ने उस स्त्री से पूछा, आपका नाम? कहा, मेरा नाम शकुंतला. राजा दुष्यंत ने कहा कि मेरा मन आप पर आ चुका है और मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपके साथ विवाह करूं, आप हो कौन? शकुंतला ने कहा कि मैं तो महर्षि कण्व की कन्या हूं. अब राजा दुष्यंत क्षत्रिय थे और कण्व ऋषि ब्राह्मण थे. बोले, तुम ब्राह्मण की कन्या? बोले, हाँ, मैं कण्व ऋषि की कन्या, मैं ब्राह्मण की कन्या. महाराज दुष्यंत ने चैलेंज के साथ कहा कि तुम कण्व ऋषि की कन्या हो ही नहीं सकती. अब बोले, नहीं, मैं तो बचपन से यहीं पर हूं, मैं कण्व की कन्या. बोले, तुम ब्राह्मण की पुत्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे मेरे कुल के ऊपर और मुझे मेरे मन के ऊपर विश्वास है कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का मन कभी ब्राह्मण कन्या के ऊपर नहीं जा सकता, कभी ब्राह्मण कन्या के ऊपर. यही बात भगवान राम ने, जब भगवान श्री रामचंद्र महर्षि विश्वामित्र के साथ, लखन लाल के साथ जनकपुर में गए और जनकपुर में फूल चयन करने के लिए उस पुष्प वाटिका में गए और राम और सीता का प्रथम मिलन हुआ और दोनों एक दूसरे की ओर देखते रह गए. सीता की सहेली उन्हें लेकर चली गई और उस समय राम ने लक्ष्मण को इतना ही कहा, लखन सत्य कहूं, ये जो स्त्री अभी मेरे सामने आई जिसका नाम सीता था, ये सीता जो है कल स्वयंवर में तुम्हारी भाभी बनेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है. क्यों? क्योंकि मुझे मेरे रघुवंश के ऊपर विश्वास है कि रघुवंश में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का मन पराई स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता, और आज मेरा मन स्त्री के ऊपर जा रहा है, इसका अर्थ है कि कल ये तेरी भाभी बनने वाली है. रघुवंशी न कर सहज स्वभाऊ, मन को पंथ पगु कर भगवान राम कहते हैं, रघुवंशी न कर सहज स्वभाऊ, मन को पंथ धरि पगहीन काहू. रघुवंशी न कर सहज स्वभाऊ, मन को पंथ पगु करहीन काहू. मन कुपथ पगु धरहीन काहू. पहले के राजाओं को अपने मन के ऊपर
अपने कुल के ऊपर विश्वास होता था कि हमारा मन किसी पराई स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता, और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है अपनी बेटी की उम्र और अपनी बेटी की उम्र वाली लड़की को देखकर भी आज के बूढ़ों की आंख रुकती नहीं है, काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सुनिए सोम वंश और सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र है। ये चरित्र इसलिए भागवत में दिए गए ताकि हमारी बुद्धि भी सुधरे। हम भी जब किसी स्त्री के सामने, किसी कन्या के सामने देखे तो उनके प्रति मां और बहन की बुद्धि हो जाए। कितना विश्वास होता था राजा दुष्यंत को अपने मन के ऊपर, कितना विश्वास है कि मेरा मन किसी पराई स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का मन ब्राह्मण स्त्री के ऊपर नहीं जा सकता। तुम सच सच बताओ कौन, तुम ब्राह्मण की पुत्री नहीं हो सकती। उसी समय महर्षि कण्व ऋषि आए और शकुंतला ने पूछा, पिताजी आप सच सच बताओ मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी पुत्री नहीं? तब कण्व ऋषि ने कहा, बेटा तुम मेरी पुत्री नहीं हो, तुम क्षत्रिय राजा विश्वामित्र की कन्या हो। विश्वामित्र और मेनका का संग हुआ और इससे तुम्हारा जन्म हुआ और विश्वामित्र तुम्हें यहां पर छोड़कर गए, तुम क्षत्रिय की कन्या हो। और दुष्यंत भी, राजा दुष्यंत भी क्षत्रिय, दोनों का विवाह हुआ, दुष्यंत और शकुंतला, और ये दोनों धर्मात्मा थे, इसीलिए तो उनके घर पर राजा भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम से इस भूमंडल का नाम भारत हुआ, जिससे महाभारत का निर्माण हुआ है। ये है राजाओं के चरित्र जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाए। तो सोम वंश में पुरुरवा महाराज, नहुष महाराज, ययाति महाराज, दुष्यंत महाराज, राजा रंतिदेव हुए। एक कबूतर की रक्षा करने के लिए राजा रंतिदेव ने अपने शरीर का सारा मांस दे दिया, बहुत विस्तार से कथा है। और इसी वंश में युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडव, और इसी सोम वंश में आगे चलकर वसुदेव जी का जन्म होगा और इसी सोम वंश में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित कहते हैं, आइए फिर से, कथित है वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च उभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथित, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने सोमवंश और सूर्यवंश के अद्भुत अद्भुत राजाओं के चरित्र का वर्णन कथित, ये कथित शब्द से ध्वनित होता है, आपने अब कह दिया, अब बंद करो। कथित शब्द से आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि बस आपने बोल दिया, अब बंद करो। आपको भी मन में होता होगा कि बस प्रभु अब बंद करो और दूसरा श्लोक आगे चलाओ। तो ऐसा ही एहसास राजा परीक्षित को हो रहा था और राजा परीक्षित इसी के साथ आगे कहते हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम तत्रांशिनावतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संशन। ये प्रभु, आपने सोम वंश और सूर्य वंश का वर्णन किया तो उसके साथ साथ यदोश्च धर्मशीलस्य, आपने यदु महाराज के वंश का वर्णन भी किया, अब तीसरा वंश बता रहे हैं, सोम वंश, सूर्य वंश और यदु महाराज के वंश का भी वर्णन आपने किया। परंतु यहां पर एक विचार करने जैसी बात है, महाराज परीक्षित यदु महाराज को धर्मशील कह रहे हैं। यदोश्च धर्मशीलस्य, क्या कहते हैं, यदोश्च, यदु महाराज धर्मशील है। आपने यदु महाराज की कथा सुनाई जो धर्मात्मा थे,
धर्मशील माने धर्म का पालन करने वाले थे। भक्तों इतिहास यदि चेक किया जाए तो इससे यह ज्ञात होता है कि यदु महाराज कहां से धर्मशील। परीक्षित महाराज का कहना है कि यदु महाराज धर्मात्मा थे, परंतु इतिहास यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यदु महाराज धर्मात्मा नहीं थे। यदि कथा में हम थोड़ा विचार करें तो यदु महाराज ययाति महाराज के पुत्र थे। ययाति महाराज के चार पुत्र थे, उसका नाम था, बड़े पुत्र का नाम यदु, उससे छोटे का नाम द्रुहयु, उससे छोटे का नाम तुर्वसु और सबसे छोटे पुत्र का नाम पुरु। ययाति महाराज के चार पुत्र और दो पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था देवयानी और दूसरी का नाम था शर्मिष्ठा, और उनमें से एक दैत्य गुरु असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। और शुक्राचार्य की कन्या ने पहले से ही शर्त करके रखी थी, शर्मिष्ठा ने पहले से ही कह के रखा था कि देखो देवयानी तुम्हारे वहां दासी बनकर रहेगी और देवयानी को तुम्हारे साथ संग नहीं करना है और उससे किसी पुत्र को जन्म नहीं देना है। इतना कहकर रखा था, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी और शुक्राचार्य की कन्या को पता चला, क्रोधित हो गई, अपने पिता के पास चली गई। है ना, इस संसार में जब कोई पत्नी क्रोधित होती है तो तुरंत मैके की याद करती है, मैं मैके चली जाऊंगी। तो ये अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई। शुक्राचार्य बड़े क्रोधित हुए, दामाद आए, इतने क्रोधित हुए, बोले तुमने मेरी बेटी को परेशान किया, जाओ श्राप देता हूं कि तुम जवानी में ही बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य ने श्राप दिया और श्राप देते ही ययाति महाराज जवानी में बूढ़ा हो गए। ययाति महाराज शुक्राचार्य के चरणों में गिर गए। ससुर जी और कुछ दंड दिया होता तो चलता, बूढ़ा बना दिया। मैं आपकी बेटी को लेकर किसी के फंक्शन में जाऊंगा तो लोग आपको गाली देंगे, और अभी भी मेरे जीवन में बहुत सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मुझे बहुत कुछ करना है। ससुर जी ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरे फादर इन लॉ हो, साक्षात फादर ही हो लेकिन लॉ के अंतर्गत आते हो, स्वाभाविक फादर नहीं हो, अब कानूनी फादर हो। इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। मदर है लेकिन लॉ के अंतर्गत है। खैर, तो आप तो मेरे ससुर हो और मुझे बूढ़ा कर दिया, कुछ तो दया कीजिए। शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर श्राप तो दे दिया, लेकिन फिर एहसास हुआ, परंतु पहले जो कोई श्राप देता था वो विफल नहीं जाता था, बूढ़े तो बन गए। बोले मैं पूरा पूरा श्राप नहीं उतर सकता हूं, डिस्काउंट दे सकता हूं। यहां पर भी डिस्काउंट वाली बात आई। बोले जितना हो सके उतना कर दीजिए। बोले देखो तुम बूढ़े तो हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे चार पुत्र हैं, चारों जवान हैं। तुम्हारे चार पुत्र में से यदि कोई अपनी जवानी देकर खुद बूढ़ा बन जाए और तुमको जवानी देना चाहे तो तुम जवान हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बूढ़ा हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, चार है ना, एक तो मानेगा। खुश हो गए ययाति महाराज, प्रसन्न हुए, अपने घर पर आए, सबसे पहले अपने बड़े पुत्र यदु के पास गए, जिसका नाम यहां पर लिखा है, यदुश्च धर्मशीलस्य। यदु महाराज के पास, क्योंकि यदु महाराज ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे और बहुत विश्वास था कि मेरा लड़का मेरी बात मानेगा, मेरी इच्छा को पूर्ण करेगा ही। तो पूर्ण विश्वास से ययाति महाराज अपने पुत्र यदु के पास आए, कहा बेटा, अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैंने जीवन में तुमको सब कुछ दिया, आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ मांग रहा हूं, मुझे दोगे ना। बोले बोलो, मांगो तो सही, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे दोगे। सारी घटना बताई और कहा, शुक्राचार्य ने मुझे श्राप दिया है, यदि तुम्हारा बेटा अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले
तो तुम जवान हो सकते हो। तो बेटा तुम मेरे बुढ़ापे को ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। तुरंत यदु महाराज ने पिताजी को धक्का मार दिया। बोले महाराज, पिताजी आप कहो तो झाड़ू मारूं, पोछा लगाऊं, आपके पैर दबाऊं, आप बूढ़े हो गए तो तीर्थ यात्रा में लेकर जाऊं, लेकिन जवानी मैं आपको नहीं दे सकता। पिताजी ने जीवन में एक चीज मांगी, यदु महाराज ने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो उस पुत्र को धर्मशील कहा जाएगा है? जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता है, पिता की आज्ञा को नहीं मानता है, उस पुत्र को धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित उस यदु महाराज को यहां पर धर्मात्मा कह रहे हैं। यदोश्च धर्मशीलस्य, यदु महाराज धर्मशील है। तो कथा को सुनकर हमें ऐसा लगता है, कि पिता ययाति महाराज ने जवानी मांगी और पुत्र ने नहीं दी, इसलिए पुत्र कोई अच्छा नहीं है। लेकिन भक्तों, कभी कभी पिताजी की बात न मानना भगवान के कारण, यदु महाराज अपने पिता की आज्ञा को नहीं माने फिर भी धर्मात्मा का कहलाए गए, क्यों? कारण एक, यदु महाराज ने तुरंत सोच लिया, ये मेरे पिताजी जवानी मांग रहे हैं और मुझे बूढ़ा बना रहे हैं, मैं तो तुरंत जवानी दे दूंगा। वो जवानी देने के लिए मन से तैयार थे, लेकिन यदि मैं मेरी जवानी दे दूंगा तो मेरे पिता संसार का भोग भोगेंगे और खुद नरक में जाएंगे, और मेरी माँ के साथ भोग भोगेंगे, मेरी माँ को भी नरक में लेकर जाएंगे। उससे तो अच्छा है कि मैं जवानी खुद रखूं और मैं कृष्ण की भक्ति करूं, और मैं कृष्ण की भक्ति करके खुद वैकुंठ में जाऊं और मेरे माता पिता को वैकुंठ लेकर चला जाऊं। पिता की वर्तमान की आज्ञा को नहीं मांगूंगा, गाली देंगे, थप्पड़ मारेंगे ना, लेकिन मैं तो ज्ञानी हूं, मैं भजन करूंगा, कृष्ण भक्ति करूंगा, मेरा उद्धार और मेरे माता पिता का उद्धार करूंगा। कभी कभी संसार में कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो ज्ञानी नहीं है, शास्त्र की बातों को नहीं जानते हैं, इसलिए अपने बेटों को कहते तुम मंदिर मत जाना, तुम धर्म का काम मत करना। लेकिन बेटे अपने माता पिता की बात को नहीं मानते, फिर भी वह बेटे धर्मात्मा कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक माता पिता भगवान श्री कृष्ण है। संसार के माता पिता मात्र शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन आत्मा को जन्म देने वाले परमात्मा है, और जहां परमात्मा के सेवा की बात है वहां शरीर के माता पिता को ठुकराया जा सकता है। करते हैं तो भगवान की भक्ति करते हुए हमारे मार्ग में कोई भी आड़े आता है तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। ये हम नहीं कहते हैं, रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में लिखते हैं, अनुकुलियस्य संकल्प प्रतिकुलियस्य वर्जनम। इस संसार में वही महान व्यक्ति हैं जो कृष्ण भक्ति में अनुकूल हैं उसे स्वीकार करें, और कृष्ण भक्ति में जो प्रतिकूल हैं उसे त्याग दे, वही सबसे बड़ा महान और वही सबसे बड़ा धर्मात्मा। तो यदु महाराज धर्मात्मा इसलिए क्योंकि वे खुद कृष्ण भक्ति करना चाहते थे और अपने माता पिता को भक्ति कराना चाहते। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी मेरी भक्ति के मार्ग में आड़े आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को त्याग दिया। और भक्तों, इस संसार में पिता माता पुत्र परिजन भाई ये जो कुछ भी मिला है ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। संसार में हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये भगवान की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। लेकिन यही संसार के लोग यदि भक्ति में बाधा बने तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। रामायण में प्रसंग है, आप सब जानते हैं, जब कैकेयी ने भगवान श्री रामचंद्र को वनवास दे दिया, 14 वर्ष के लिए भगवान श्री रामचंद्र वन में चले गए। भरत जी ननिहाल में थे, वे वापस आए और भरत को पता चला। तुरंत भरत अपनी मां कैकेयी के पास गए और कैकेयी कहने लगी, भरत भरत यहां पर सब कुछ बिगड़ गया था, लेकिन मैंने मंत्रा का सहारा लेकर सब कुछ ठीक कर दिया। बेचारी मंत्रा कितनी अच्छी थी, मुझे सहयोग किया और मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। भरत ने कहा, मां मां अयोध्या में तो ऐसा क्या बिगड़ गया था जो तुझे और मंत्रा को मिलकर ठीक करना पड़ा?
बिगड़ क्या गया था? कहा वो तेरे पिता राम को राजा बनाने वाले थे, मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। और बोले पिताजी, पिताजी राम के विरह में मर गए, और बेटा भरत अब तू अकेला अयोध्या का राजा बन और पूरे संसार को भोग। इतना सुनते ही भरत के हृदय में एक पहाड़ गिर गया। तुरंत अपनी मां कैकेयी को क्रोध करके कहने लगा, तू मेरी मां नहीं हो सकती, ऐसा दुष्ट कर्म करने वाली ही मेरी मां नहीं हो सकती। भगवान से दूर करने वाली मां मेरी मां नहीं हो सकती, तू मेरी मां नहीं। आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुझे तेरे गर्भ से जन्म मिला, लेकिन जन्म मिला तो मिला, आज से तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं। तब कैकेयी कहती है, बेटा भरत, जो पुत्र अपनी मां को मां नहीं कहता है उसे नरक में जाना पड़ता है। भरत ने कहा, मंजूर है, एक नहीं हजार जन्मों तक मैं नरक में चला जाऊंगा, लेकिन राम से भगवान से दूर करने वाली मां को मां नहीं कहूंगा। भगवान से भक्त को दूर करने वाली मां मां नहीं है। वशिष्ठ जी कहने लगे, भरत तुम राजा बनो, राम चले गए हैं। प्रजा कहने लगी कि तुम राजा बनो, भरत राम चले गए हैं। भरत जी बार बार कह रहे हैं, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे राज नहीं करना है। और ये लोग बार बार जब कहने लगे तो भरत जी कहते हैं, मई राज हटू दई हुई जब ही रसा रसातल जाई तब ही, कान खोल कर सुन लो, आप लोग हट करके भी यदि मुझे राजा बनाओगे तो मैं सत्य कहता हूं, ये रसा, ये भूमि रसातल में चली जाएगी, ये पृथ्वी ये पाप सहन नहीं कर पाएगी। कहा, ये तुम्हारे पिता की आज्ञा, तुम्हारे भाई की आज्ञा है। भरत तुम नीति को चूक रहे हो, तुम धर्म को चूक रहे हो। तब भरत जी से नहीं रहा गया, पूरी सभा को ललकारते हुए कहने लगे, नीति मैं नहीं, नीति आप लोग चूक गए हो, नीति को मैंने नहीं तोड़ा, नीति को आपने तोड़ा है। आप सब लोग जानते हो कि राजा दशरथ से कैकेयी ने सबसे पहले क्या मांगा था। कैकेयी ने राजा दशरथ से सबसे पहले भरत को राजा और दूसरा प्रण मांगा था राम को वनवास। सबसे पहले मांगा था भरत को राजा बनाओ और दूसरा प्रण राम को वनवास, लेकिन आप लोग नीति को तोड़ दिए, राम को पहले वनवास दे दिए और फिर भरत को राजा बनाने जा रहे हो। क्रम के अनुसार पहले मुझे राजा बनाओ और फिर राम को वनवास भेजो, मैं भी देखूं दुनिया की कौन ताकत राम को वन में भेज सकती है। लेकिन धर्म मैंने नहीं, धर्म आप लोगों ने तोड़ा है, पहले मुझे राजा बनाना चाहिए और फिर राम को वनवास देना चाहिए। मैं तो जा रहा हूं इस अयोध्या को छोड़कर मेरे भाई राम के पास चित्रकूट में, और यदि आप लोगों का भी सौभाग्य हो तो आप चलो मेरे साथ। जैसे ही भरत राम यात्रा के लिए चित्रकूट जाने के लिए निकल पड़े, अयोध्या से चित्रकूट राम यात्रा प्रारंभ, और अयोध्या में रहने वाली लगभग सारी प्रजा भरत जी के साथ चलने लगी, बहुत बड़ा जुलूस चलने लगा। नंगे पांव भरत जी चल रहे हैं, राम यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन उस समय भी कुछ लोग होते हैं ना दुर्भाग्यशाली, कुछ लोग आए, भरत जी हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। भरत जी ने कहा, क्यों? बोले बच्चों की एग्जाम चल रही है। राम यात्रा के लिए, भगवान राम को मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा हम आपके साथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं? बोले हम आपके साथ आएंगे, घर का ध्यान कौन रखेगा। कुछ लोगों ने कहा हम आपके साथ आएंगे तो ऑफिस में कौन जाएगा। भरत जी से नहीं रहा गया, पूर्ण आक्रोश में आकर भरत जी ने कहा, जरू सु संपदि सहद सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। भगवान राम से मिलने जा रहे हैं और तुम लोग कहते हो कि हमारे
बच्चों की परीक्षा है, तुम लोग कहते हो ऑफिस कौन जाएगा, घर का कौन ध्यान रखेगा, अरे आग लगा दो उस घर को, आग लगा दो उस धन को, जो धन, जो घर और जो समाज भगवान राम को मिलने में बाधा बन रहा है। जरू, भरत जी कहते हैं जरू जलाकर राख कर दो, किसको, उस संपत्ति को, उस धन को, उस घर को, उस समाज को जो भगवान को मिलने के लिए बाधा बन रहे हैं। भगवान को मिलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए ये पुत्र परिजन ये समाज क्यों है, भगवान की प्राप्ति कराए। और जब यही समाज भगवान की भक्ति में बाधा बनते हैं तो त्याग देना चाहिए। गीता में भगवान ने बहुत सारे अध्याय का वर्णन किया, सहन करो, ये करो, वो करो, लेकिन अंत में अर्जुन को कह दिया, अर्जुन यदि सहन नहीं कर सकते, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ो और आ जाओ मेरे पास, और फिर देखो मैं तुम्हें कैसे सारे पापों से मुक्त करा देता हूं और कैसे तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति करा देता हूं। भगवान की भक्ति में यदि कोई बाधा बनता है तो उसे त्याग देना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी भक्ता हो गई जिसका नाम था मीराबाई, मारवाड़ की मीराबाई। आज भी जब मारवाड़ का नाम आता है तो मीराबाई की याद आती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उनका इतिहास, 5 साल की कन्या थी मीराबाई, मारवाड़ की रहने वाली थी। उनके गांव में किसी कन्या का विवाह था तो बारात आई, और आप जानते ही हैं बराती लोग बहुत बजाते हैं, नाचते हैं। मीराबाई ने, 5 साल की कन्या मीराबाई ने सुना ये आवाज, अपनी खिड़की से देखने लगी और अपनी माँ को कहने लगी, माँ माँ ये क्या हो रहा है, कौन आए हैं। मीराबाई की माँ ने कहा बेटा ये शादी हो रही है। मीराबाई की माँ ने कहा बेटा ये शादी हो रही है, शादी करनी। बोले हाँ बेटा शादी होगी, लेकिन तुम जब 16 साल 18 साल के। बोले नहीं, मुझे आज और अब भी शादी करनी है। अब मीराबाई ने जिद पकड़ ली, मुझे शादी करनी है, शादी करनी है। अब उस समय मैया क्या करती, रोने लगी, मुझे आज अब भी शादी करनी है। तब मीराबाई की माँ ने उनको समझाने के लिए, एक बहुत सुंदर कृष्ण का विग्रह था, मीराबाई की माँ मीराबाई 5 साल की कन्या मीराबाई को लेकर गई, बेटा तुझे शादी करनी है ना, चल बैठ जाए यहाँ पर। कृष्ण के बाजू में मीराबाई को बिठा दिया, 2-3 मंत्र मार दिए, बोले आज से तुम्हारी शादी ये कृष्ण के साथ हो गई। उस दिन से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीराबाई ने गिरधर गोपाल कृष्ण को अपना पति मान लिया, मरते दम तक कृष्ण को ही अपना पति मानती रही। और ऐसी मीराबाई का विवाह राणा के साथ हुआ, वो तो बेचारे मर गए, लेकिन उनके परिवार में मीराबाई को बहुत बाधा आने लगी। मीराबाई के जीवन में भक्ति में बहुत रुकावट आने लगी। उन दिनों भारत के एक प्रसिद्ध संत जिसका नाम था गोस्वामी तुलसीदास, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में वाराणसी में रहने वाले एक डॉक्टर को पत्र लिखा, जो मैंने एक दिन पढ़ा था। उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि भक्ति में प्रगति करनी है तो भगवान के भक्तों का चरित्र ध्यान से सुनना चाहिए, और भगवान के भक्तों का चरित्र ध्यान से सुनना, उस क्रम में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामी तुलसीदास। अद्भुत चरित्र है गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी रचना रामचरितमानस जो भारत वर्ष के भक्तों के मन पर राज कर रही है। ऐसे महान संत गोस्वामी तुलसीदास काशी में रह रहे थे। मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, कहे तुलसीदास जी घर पर कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूं, लेकिन बहुत लोग बाधा दे रहे हैं, कृष्ण भक्ति में मुझे बाधा हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र का जवाब दिया, वो पत्र का जवाब एक छोटे से भजन में है, आप ध्यान से सुनिए। जाके प्रियन राम में दे, जाके
राम रे दे जाके प्रियन राम रे दे जाके प्रियन राम रे दे तजियताही कोटि वेदी सम तजियताही कोटि वेदी सम कोटि जदपि पर मसने प्रियन राम वे दे जाके गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई को उत्तर दिया पत्र लिखा कहे मीराबाई जाके प्रियन राम वैदेही इस संसार में जो लोग राम और सीता से राधा और कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं और जो लोग राम और कृष्ण की भक्ति में बाधा देते हैं तजिए तासु कोटि वेरी सम भक्ति में बाधा देने वाले लोगों को करोड़ों करोड़ों वैरी के समान त्याग देना चाहिए उसे तनिक भी एक क्षण भी उसे साथ में नहीं रखना चाहिए यद्यपि परम सने यद्यपि वो हमसे कितना भी प्रेम करे लेकिन भक्ति में बाधा दे रहे हैं उसे त्याग देना चाहिए। मेरा भाई ने दूसरा पत्र लिखा बोले गोस्वामी जी आपने क्या लिखा या आप क्या कह रहे हैं बोले मैं मेरे संबंधी को त्याग दूं संसार के लोग क्या कहेंगे आने वाला भविष्य क्या कहेगा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी उसका उत्तर देते हैं मेरा भाई भक्ति के मार्ग में आड़े आने वाले को त्यागना यह भी बहुत बड़ी भक्ति है और इस संसार में अनेकों लोगों ने भगवान की भक्ति में बाधा बनने वालों को त्याग दिया कितने लोगों को त्यागा वे गिनाते हैं तजियो पीता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी तजियो पीता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत तजियो पीता प्रहलाद विभीषण प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग दिया हिरण्यकश्यपु थे ना प्रहलाद महाराज महान भक्त हिरण्यकश्यपु महान असुर प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा और विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया प्रहलाद ने पिता को त्यागा विभीषण ने अपने भाई को त्यागा और भरत महतारी भरत ने तो अपनी जननी अपनी मां कैकेयी को ही त्याग दिया बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तही बलि गुरु बलि गुरु तजो बलि महाराज ने अपने गुरु तक को त्याग दिया इसलिए कहते हैं बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तही भये मोदर मंगकारी प्रियन राम वे दे जाके प्रियन राम वे दे मेरा भाई प्रहलाद ने पिता को त्यागा विभीषण ने अपने भाई को त्यागा भरत ने अपनी माता को त्यागा बलि महाराज ने अपने गुरु को त्यागा और व्रज वनिताओं ने व्रज की गोपियों ने तो अपने पतियों को त्याग दिया इन सब लोगों ने अपने अपने स्वजनों को त्यागा तो क्या संसार में लोग इनको गाली देते हैं सब लोग इतिहास के पत्ते पर अमर हो गए क्यों
क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने स्वजनों को त्यागा किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए यदि कोई अपने स्वजनों को त्यागता है तो इतिहास के पत्तों पर उनका नाम दर्ज हो जाता है। गोस्वामी जी एक दृष्टांत देते हैं, जैसे संसार में लोग आंखों में काजल लगाते हैं, क्यों? आंखों का तेज बढ़ाने के लिए। आंखों में काजल लगाई जाती हैं आंखों का तेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस काजल से आंख ही फूट जाए वो काजल क्या काम की? उस काजल को तो फेंक देना चाहिए। संसार के स्वजन मिले हैं भजन करने के लिए, और जिन स्वजनों से ही भजन नहीं होता है उन स्वजनों को त्याग देना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रियन राम वे देही, जाके प्रियन राम वे। जो राम और सीता से प्रेम नहीं करते हैं उनको त्याग देना चाहिए, और जो लोग राम का नाम लेते हैं ऐसे लोगों को स्वीकार करना चाहिए। आइए प्रेम से गाइए, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम। प्रेम से गाइए, भाव से गाइए, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से गाइए, राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से गाइए, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। यदोश्च धर्मशीलस्य, यदु महाराज धर्मात्मा है, अपने पिता के वचन को त्याग दिया, पिता की आज्ञा को त्याग दिया, फिर भी यदु महाराज धर्मात्मा क्यों पता चल गया? इसे कहते हैं भागवत को समझना है। केवल एक शब्द को समझने के लिए आधा घंटा है, एक एक शब्द में इतना रहस्य, और अभी भी मन नहीं भर रहा है, अभी भी हो रहा है कि और कुछ बोल ही देता हूं। यदु महाराज ने अपने पिता की आज्ञा को त्याग दिया,
फिर भी ये धर्मात्मा भगवान कपिल देव माता देवहूति को बिंदु सरोवर के तट पर उपदेश देते हुए कहते हैं, जब देवी देवहूति ने पूछा कि हे प्रभु बताइए इस संसार में दुखों से मुक्त होने का उपाय क्या है, तब भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार उपावृतम। संसार के व्यक्ति और वस्तु में आसक्ति ही बंधन और दुख का कारण है, परंतु वही आसक्ति यदि साधुओं में कर ली जाए तो व्यक्ति दुखों से और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तब देवहूति पूछती है, साधु किसे कहते हैं, साधु की परिभाषा क्या है? उसका उत्तर देते हुए भगवान कपिल देव कहते हैं, तितिक्ष्वा कारुणिका सुद सर्वदेहिना मजात शत्र वशांत साधव साधु भूषणा, जिसमें सहनशीलता हो, नम्रता हो, सर्व भूतो जीवों के प्रति संभाव हो और जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बिताता हो वह साधु है। ये तो अंदर की बात है, साधु को बाहर से कैसे पहचाना जाए? तब भगवान कपिल देव कहते हैं, मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति वैदृढाम। हे माता देवहूति, यदि कोई व्यक्ति मई अनन्य भावेन, मेरी अनन्य भाव से दृढ़ता पूर्वक भक्ति करता है और मेरी भक्ति करते हुए उनके मार्ग में मत कृते त्यक्त कर्माण, कभी कभी मेरी भक्ति करते हुए मेरे शुद्ध भक्तों को भक्ति के मार्ग में कुछ काम आ जाता है, कुछ इंपोर्टेंट काम, आज इंपोर्टेंट काम था इसलिए हम कथा में नहीं आ पाए, ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है। साधु, सच्चा साधु किसे कहते हैं? भगवान कपिल देव कहते हैं, मेरी भक्ति करते हुए यदि कितना भी इंपोर्टेंट काम हो, त्यक्त कर्माण, उस बड़े से बड़े काम को भी जो त्याग देता है, क्यों? मेरी भक्ति करने के लिए। और इतना ही नहीं, त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरी भक्ति के मार्ग में जो बाधा देते हैं वैसे स्वजन और बांधव जन को भी जो त्याग देते हैं और मेरी दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते रहते हैं वो मेरे शुद्ध भक्त और वो ही संसार का सच्चा साधु है, सच्चा साधु। तो परीक्षित महाराज ने जो बात यहां पर बताई है, यदुश्य धर्मशीलस्य, यदु महाराज धर्मात्मा है, भगवान कपिल देव ने इसके ऊपर मोहर मार दी, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि यदु महाराज ने अपने पिता की आज्ञा को त्यागा वास्तविक पिता की भक्ति करने के लिए, है ना? अब मेरे प्रवचन का कहीं गलत असर न हो जाए इसलिए मैं 5 मिनट और लेना चाहता हूं। आज बहुत अच्छा बढ़िया प्रवचन सुना और घर पर जाकर माताएं अपने पति से कहेंगी, बस मीरा भाई की तरह हम भी आपको छोड़ देंगी, है? मीरा भाई ने अपने पति को छोड़ दिया, हम भी छोड़ देगी, है? छोटे छोटे बच्चे घर पर जाकर कहेंगे, पिताजी तुम हिरण्यकश्यपु हो, है? हम तुमको त्याग देंगे, है? एक भाई दूसरे भाई के साथ वैसे त्याग ही रहे हैं तो लाल गोविंद दास का नाम लेकर त्यागेंगे, प्रभु जी ने प्रवचन में कहा था त्याग देना चाहिए, तू रावण जैसा है। तो अब थोड़ी तत्व की बात सुन लीजिए, ये बात सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग में जो बाधा देते हैं उसको त्याग देना, जिस स्थिति में अपने स्वजनों को त्यागा वह स्थिति क्या थी जानते हैं? क्या वो स्थिति हमारी है? यदि मीराबाई जैसी स्थिति हमारी है तो हम त्याग सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, मीराबाई ने त्याग दिया तो हम भी त्यागेंगे। मीराबाई को जहर का कटोरा दिया गया, जहर पी गई, हम पी सकते हैं? इसका अर्थ है कि हम लोग अभी परिपूर्ण, परिपक्व या पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो जब तक हम लोग पूर्ण शुद्ध नहीं बनते हैं तब तक हमें नहीं त्यागना चाहिए, और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तब त्यागेंगे तो बात ठीक है, नहीं तो प्रवचन का गलत असर हो जाए। हम तो कल से ऑफिस त्याग देंगे, ऑफिस त्याग कर करेंगे क्या, घर पर जाकर सोते रहेंगे, है? इस सारे प्रसंगों में त्यागने की बात हुई लेकिन लक्ष्य क्या है? राम और कृष्ण। इस संसार में कुछ लोग निवृत्ति लेते हैं, त्याग देते हैं और त्याग कर बस समाज के ऊपर बोझ बन जाते हैं, उससे तो अच्छा है वह ऑफिस में और फैक्ट्रियों में जाकर काम करें। हाँ, यदि कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है तो त्याग सकता है। तो यहां पर यदु महाराज ने त्यागा,
तो कह रहे हैं यदुष्य धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम तत्रांशिनावतीर्णस्य विष्णुवीरयाणि संशन। हे सुखदेव गोस्वामी, आपने बहुत कुछ सुनाया। क्या सुनाया? ये आपने डेढ़ घंटे में सुना है ना, अब बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। कहते हैं आपने नितराम मुनि सत्तम, नितराम माने विस्तार से और बहुत अच्छे से सुनाया। आपने कथानक रूप से भी और उपदेशक रूप से भी आपने सुनाया। मुनि सत्तम, इस श्लोक में दूसरी लाइन के अंतिम शब्द में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को संबोधन दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को क्या कहते हैं? मुनि सत्तम। मुनि सत्तम का अर्थ क्या होता है? मुनि का अर्थ होता है मुनय मननशिला। श्रीपाचिदर स्वामी जो रात दिन भगवान श्री कृष्ण का मनन करते हैं उसे मुनि कहते हैं, है ना। और जो लोग पैसे का मनन करते हैं उसे मुनिम कहते हैं, है? परंतु भगवान का जो रात दिन मनन करे उसे मुनि कहते हैं। और भगवान का रात दिन मनन करे और कृष्ण विषय ज्ञान को जो प्राप्त करे उसे मुनि सत कहा जाता है। देखिए तीन कैटेगरी, भगवान का मनन करे वो मुनि, जो मनन भी करे और ज्ञान भी प्राप्त करे उसे मुनि सत कहते हैं। लेकिन जो भगवान का मनन करते हैं, जो ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को जीवन में उतार कर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उसे मुनि सत्तम कहा जाता है। इसका अर्थ है महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुनि भी हो, ज्ञानी भी हो और भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हो। मुनि सत्तम भक्तों, हम सबको मुनि सत्तम बनना होगा भगवान की प्राप्ति करने के लिए। इस संसार में मुनि सत ज्ञानी तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन मात्र कोरा ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। उस ज्ञान को जीवन में उतारना यह सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान तो एक इंफॉर्मेशन की तरह होता है। प्राय भारत में रहने वाले सब लोग ज्ञानी हैं। आप कहेंगे भागवत कथा सुनने के लिए, हमने तो सुन रखी है, हम तो सारी भागवत जानते हैं, 12 स्कंद होते हैं, इतने अध्याय होते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया, ज्ञानी सब। लेकिन वह ज्ञान जीवन में किसी को नहीं उतरा। मैं दूसरों की क्या, मैं मेरे जीवन का अनुभव बताता हूँ। एक दिन मैं प्रवचन करके बोरीवली हम रहते हैं तो स्टेशन से उतरे, रिक्शा में बैठा और रिक्शा में बैठे बैठे मैंने वो चौपाई जो भी गाई ना, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मैं ऐसा गा रहा था रिक्शा में बैठे बैठे। तो रिक्शा चलाने वाला जो था वो पूरे रामायण को जानता था, तो मैं तो एक गाकर बंद हो गया और वो गाने लगा, पूरी रामायण गाने लगा। गाते गया 10 मिनट के बाद जब हमारा घर आया तो हम उसको पैसे दे रहे थे और रिक्शे वाले ने कहा, देखा महाराज कैसा लगा है? बोले पूरा रामचरित मानस मुझे याद है, आप कहो तो अभी गाकर सुनाऊं। मैंने देख लिया उसके मुख में तंबाकू वाला मावा भरा हुआ था। मैंने कहा आपको पूरी रामायण याद है फिर भी आप ये मावा नहीं छोड़ सकते हैं, तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं। अब बताइए पूरी रामायण जिसको बाय हार्ट है लेकिन तंबाकू का व्यसन नहीं छूट रहा है, शराब का व्यसन नहीं छूट रहा है, वो रामायण याद है फिर भी क्या काम का? इतना ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान क्या काम का जब वो ज्ञान जीवन में नहीं उतरता है। इसलिए नीति में एक श्लोक कहा गया, यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य तथा च विप्रा श्रुतिशास्त्र युक्ता मदभक्तिहीनो खरवत वदन्ति। आपने गधों को देखा है? गधा मेरा प्रिय प्राणी है क्योंकि गधे से बहुत उपदेश मिलते हैं हमको। गधे को जब मैं देखता हूं तो खड़ा रह जाता हूं उसको देखने के लिए। तो नीति में भी भगवान स्वयं गधे को याद कर रहे हैं। खर का अर्थ होता है गधा। यथा खर चंदन भारवाही, गधा जो है बहुत भार उठाता है, आपने देखा होगा।
गदा बहुत भार उठाता है, कभी कभी मलई पर्वत का चंदन, मलई पर्वत का चंदन, चंदन बहुत महंगा होता है। आज हम और आप दुकान से जो चंदन खरीदते ना, सब डुप्लीकेट है। चंदन की कीमत सोने के समान होती है, जो ओरिजिनल चंदन मलई पर्वत का चंदन होता है। तो ऐसा कीमती चंदन कभी कभी गधों के ऊपर लादा जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, लाखों करोड़ों के वह चंदन होते हैं। तो गधे के ऊपर करोड़ों का चंदन है, लेकिन गधा चंदन के भार को ढो रहा है, चंदन की महिमा को नहीं जानता है कि भक्त लोग इसको घिसते हैं, भगवान के चरणों पर लगाते हैं, हैं फिर अपने मस्तक पर लगाते हैं, कुछ नहीं। गधे के ऊपर करोड़ों रुपए का चंदन है, लेकिन चंदन का भार है, लेकिन उसकी महिमा वह नहीं जानता है। वैसे ही कुछ लोग शास्त्र के मंत्र को, श्लोकों को याद करके रखे, लेकिन शास्त्र की बात को जीवन में नहीं उतारते हैं, वो उस गधे के समान, मात्र शास्त्र के श्लोक को ढोकर चल रहे हैं, उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं। तो भक्तों, ज्ञान हो जाना ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान जीवन में उतर जाना ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान है और ज्ञान जीवन में भी उतरा है, इसलिए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को मुनि सत्तम कहते हैं। जब ये बात सुनते हैं तब हमारे मन में भी जिज्ञासा होती है कि हमारे पास ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान हमको हमारे जीवन में उतारना है, जीवन परिवर्तन करना है, हमको इस ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना है। तो यदि हमारे मन में ये प्रश्न हो रहा है कि शास्त्र के ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब शास्त्र के द्वारा दिया जाता है। यदि हमारे मन में ये प्रश्न है कि ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर यदि सुनना है तो कल शाम को 6:30 बजे इसी समय इसी जगह पर हम पुनः मिलेंगे और यहीं से हम कथा को प्रारंभ करेंगे। अब देखिए, भागवत कथा 2 दिन हुआ लेकिन 1.5 श्लोक के ऊपर कथा चली, केवल 1.5 श्लोक। आप देख रहे हैं ना, ये दूसरा श्लोक है। यहां पर हमें जो कथा करनी है कम से कम 100 श्लोक कवर करने हैं, और इस गति से हम कथा करते रहे तो 50 दिन बीत जाएंगे। इसलिए कल से ऐसे नहीं करेंगे, कल व्याख्या थोड़ी कम करते हुए हम प्रसंग को और थोड़े स्पीड की ओर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी भागवत को तत्व से समझना जो कहा गया है वो यही है। इसी प्रकार से एक एक शब्द के भाव को समझकर, उनकी व्याख्या को समझकर हमें भागवत को समझना चाहिए। और इस प्रकार से अब विचार कीजिए, महाराज परीक्षित की जिज्ञासा जब इतनी गूढ़ है, प्रश्न जब इसका प्रश्न इतना मजबूत है, तो उनके उत्तर में जो कृष्ण कथा होगी वो कितनी दिव्य होगी। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, 2 दिन बीत चुके हैं, 5 दिन अभी भी बाकी हैं, आप सब लोग समय से आइए, कथा का श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। सूचनाएं हैं, इन्हें श्रवण करने के पश्चात ही आप सभी हॉल के बाहर जाएं। तो आइए महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। चनी रोड भक्त समाज और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मार्गदर्शन में यहाँ पे स्थापित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 2nd सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम हम आभार व्यक्त करेंगे हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का, जिनके मुखारविंद से आज हमने श्रीमद् भागवतम की अद्भुत कथा को श्रवण किया। और इस कथा के माध्यम से हमने सोमवंश और सूर्यवंश के अनेक अनेक महान राजाओं की कथाओं को श्रवण किया, और साथ ही साथ अनेकों सिद्धांतों से भरी हुई इस कथा को हमने श्रवण किया। आइए महामंत्र से हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। तत्पश्चात यहाँ इस सभा में विराजमान अनेक अनेक वरिष्ठ भक्त हमारी इस्कॉन संस्था के, और विशेष रूप से श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर से आए हुए
भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करेंगे महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की हमारी इस कथा में कुछ भक्तों ने बहुत ही सुंदर हमें यहाँ सहयोग किया है, तो मैं ऐसे भक्तों को यहाँ मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं विनंती करता हूँ श्रीमान हरजी भाई खीमजी भाई भद्रीचा प्रभु से और श्रीमान देवीदास कानजी भाई भद्रीचा प्रभु से कि वे कृपया यहाँ मंच पे आएं। आज इस कथा के आयोजन में इन दोनों भक्तों का बहुत ही सुंदर सहयोग रहा है, तो हम विनंती करते हैं कि वे मंच पे पधारें। और नीलवसन प्रभु से विनंती करता हूँ कि कृपया जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। प्रभु जी आ रहे हैं, आइए महामंत्र से इन दोनों भक्तों का महानुभावों का स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों महानुभावों से विनंती कि आप स्टेज के पास बने रहें, अभी श्रीमद् भागवतम जी की आरती के लिए आप यहीं बने रहें और तत्पश्चात हम उन सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे जो इस भागवत कथा से इस्कॉन संस्था के साथ जिनका प्रथम संपर्क हुआ है, जो पहली बार यहाँ इस्कॉन संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जो प्रथम बार भाग ले रहे हैं, उन सभी से मैं विनंती करता हूँ कि आप सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए ताकि हम ठीक से आप सभी का भी स्वागत कर सकें। जो यहाँ चनी रोड के निवासी हैं, कुछ भक्त दूर से आए हैं, जो भी पहली बार इस्कॉन के प्रोग्राम में आए हैं, उनसे विनंती करता हूँ कि सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। हरे कृष्णा। हम आप सभी के बहुत आभारी हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण करने के लिए आए हैं और हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी के चरण कमलों पे यही प्रार्थना करते हैं कि आज का ये सुंदर और उज्जवल दिवस आपके सुंदर और उज्जवल कृष्ण भावना भावित जीवन का एक शुभारंभ ठहरे और यहाँ पे आने वाले 5 दिनों में आप सभी प्रति दिवस यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए और यहाँ पे होने वाले इस्कॉन के जो भी सत्संग कार्यक्रम में हैं इसमें आप सभी सहभागी हों। तो इन सभी भक्तों का हम महामंत्र से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आप सभी भक्तों के मन में यदि इस्कॉन संस्था के बारे में या इस्कॉन संस्था की जो भी गतिविधि यहाँ इस चनी रोड क्षेत्र में हो रही है, इसके बारे में यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हिज ग्रेस नील वसन प्रभु से संपर्क कर सकते हैं। और जो भी भक्त नए पहली बार आए हैं, आप सभी के लिए विशेष सूचना यह है कि बाहर वहाँ काउंटर पे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर छोटे छोटे पुस्तक उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों में वेदों का जो सार है इसको बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। ये पुस्तकें ज़्यादा मूल्य की नहीं हैं, केवल 20 रुपया 15 रुपये की, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है ये अमूल्य है। अब सभी भक्तों से विनंती है कि यहाँ से जब आप बाहर प्रस्थान करें तो अवश्य ही श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित इन ग्रंथों के ऊपर अवश्य अपनी नज़र डालें और इन ग्रंथों को घर ले जाकर अवश्य ही इनका अध्ययन करें। साथ ही साथ हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी द्वारा उवाचित अनेकों कथाओं की CDs और DVDs यहाँ बाहर काउंटर पर रखी गई हैं,
तो जो भी भक्त इन सीडीज को डीवीडीज को अपने साथ ले जाना चाहते हैं वे अवश्य ही इसका भी लाभ लें। और जैसे कल भी हमने बताया था और आज हमने देखा कि भद्रिचा बंधुओं के द्वारा बहुत ही सुंदर यहाँ पे सभी वैष्णवों की सेवा की जा रही है इस श्रावण मास में। तो जो भी भक्त यहाँ पे वैष्णव सेवा करना चाहते हैं, वैष्णव भोजन कराना चाहते हैं, वे सभी नीलवसन प्रभु से संपर्क करें। आप किसी भी प्रकार से तन मन धन से यहाँ इस आयोजन में सेवा कर सकते हैं। तो जो भी भक्त इच्छुक हैं सेवा करने के लिए वे अवश्य ही नीलवसन प्रभु का संपर्क करें। और आज हमने आप सभी को ये पीले रंग का पर्चा आप सभी को दिया है, आप सभी को मिला है ये पीले रंग का ब्रोशर। हाँ, तो इस पीले रंग के पर्चे को जो है ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रोशर है। और इस ब्रोशर में हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के द्वारा इस्कॉन संस्था के अंतर्गत में होने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं इन सभी कार्यक्रमों की सूची जो है इसमें दी गई है। तो जैसे आप देख सकते हैं साप्ताहिक प्रोग्राम वीकली प्रोग्राम्स होते हैं मुंबई के अलग अलग विभागों में, प्रति सोमवार को मलाड में, प्रति गुरुवार को यहाँ चनी रोड में पंचरत्न बिल्डिंग में जो आपसे बहुत ही निकट है, प्रति बुधवार को विरार में, शुक्रवार को दहिसर में, शनिवार को जुहू में और प्रति रविवार को बोरीवली में वीकली प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप सभी भक्तों से यह विनंती है कि आप जहाँ कहीं निवास करते हैं, अधिकांश भक्त तो चनी रोड से हैं, तो आप सभी अवश्य ही इस कथा के विराम के पश्चात भी कथा और कीर्तन का जो लाभ है वो लेते ले सकते हैं। तो आप सभी से विनंती है प्रति गुरुवार को होने वाले चनी रोड के कार्यक्रम में आप अवश्य आइए। और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि बालकों को 5 वर्ष की आयु से ही उनके अंदर संस्कारों का सिंचन होना चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे मीरा रोड में श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर के बिल्कुल निकट में होते हैं, हरिओम बिल्डिंग में। और ऐसे ही मुंबई के अलग अलग स्थानों पे महिलाओं के लिए लेडीज प्रोग्राम होते हैं। तो इन सभी प्रोग्रामों की सूची इसमें दी गई है। और साथ ही साथ जैसे आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, तो प्रभु जी के द्वारा बहुत ही सुंदर वेबसाइट www.lalgovinddas.com, इस वेबसाइट पे लॉग ऑन करके आप इस्कॉन में होने वाली जो भी गतिविधियां हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रभु जी के द्वारा दिए गए जो भी सत्संग कार्यक्रम के प्रवचन हैं इसको आप सुन सकते हैं। तो आप सभी भक्तों से विनती है अवश्य इस वेबसाइट पे जाके आप लाभ लीजिए। और अभी श्रीमद् भागवतम जी की आरती होगी, तो मैं विनती करता हूँ भद्रिचा बंधुओं से और साथ ही साथ करण सचदेव प्रभु और उनके पूर्ण परिवार से और हमारे प्रिय भक्त हरिवंशी प्रभु के परिवार को कि आप सभी यहाँ मंच के पास आ जाएं और श्रीमद् भागवतम जी की आरती होगी। और विशेष सूचना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में अग्रसर होने के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और इस सेमिनार का समय होगा दोपहर में 2 से 4 बजे तक। तो आप सभी भक्तों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप सभी कल से यहाँ 2 बजे से 4 बजे तक भी एकत्रित होइए और भक्ति के ऊपर ये जो विशेष सेमिनार होने वाला है जिसका आयोजन हिज ग्रेस निर्मोही प्रभु और हिज ग्रेस महामंत्र प्रभु के द्वारा होगा, तो आप इसका भी लाभ लीजिए। और अभी सभी भक्त जो हैं वो श्रीमद् भागवतम जी की आरती के लिए आप सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। और जिनको मैंने आमंत्रित किया है ऐसे भद्रिचा बंधु, करण सचदेव प्रभु के परिवार और हरिवंशी प्रभु के परिवार से जो भक्त आए हैं वे सभी यहाँ मंच के पास आ जाएं और हम सभी श्रीमद् भागवतम जी की आरती का लाभ लेंगे और तत्पश्चात सभी प्रसादम का लाभ लेंगे। सभी भक्तों से विनंती है प्रसाद लिए बगैर यहाँ से कोई न जाए और कल ठीक 6:30 बजे आप सभी यहाँ उपस्थित हो जाएं,
ताकि कथा का पूर्ण लाभ ले सके। हरे कृष्ण। आरती अति पावन पुराण की आरती की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म महापुराण भागवत निर्मल मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल फल परमानंद सुधा रस कल परमा कल लीला रति रस रस निधान की लीला की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी निजन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी ही सुमहो सधि हरि चरित गामि की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विलासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भूखि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे।